रणबीर कपूर अब करेंगे बैटिंग और लगाएंगे छक्का। इस बार रणबीर ने अपने लिए लव स्टोरी नहीं स्पोर्ट्स स्टोरी चुना हुआ है, क्योंकि इस बार रणबीर बनेंगे सौरव गांगुली। अब रणबीर बीसीसीआई के फॉर्मर चेयरमैन और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली के किरदार में रमने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और अब सौरव गांगुली की लाइफ पर बन रही बायोपिक की स्क्रिप्टिंग फाइनल स्टेज पर है। दरअसल रणबीर कपूर की बायोपिक के लिए अब फाइनल कंफर्मेशन कर दी गई है। रणबीर सौरव गांगुली की ऑन स्क्रीन भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि रणबीर अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, इसीलिए पहले डेट्स को लेकर दिक्कतें आ रही थी, मगर अब अपडेट है कि रणबीर सौरव गांगुली बनने के लिए मान गए हैं। और तो और दिलचस्प बात ये भी है कि सौरव ने बार बार रणबीर की खूब तारीफ की है, ऐसे में दादा के पसंदीदा एक्टर रणबीर को ही फाइनल कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फिल्म की शूटिंग भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। अपने किरदार की तैयारी के लिए रणबीर शूटिंग से पहले कोलकाता जाएंगे। वहां गांगुली के घर एडन गार्डन्स और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल जाकर लोगों से मीटिंग भी करेंगे। क्रिकेट के सारे गुण को सीखेंगे, बंगाली एक्सेंट को सीखेंगे। कुल मिलाकर रणबीर स्क्रीन पर सौरव गांगुली बनने के लिए जोरदार मेहनत करने वाले हैं, ताकि सौरव गांगुली के बायोपिक को रणबीर जस्टिफाई कर सके। खबरों के मुताबिक सौरव गांगुली की बायोपिक एक बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसका बजट करीब करीब 200 से 250 करोड़ रुपए होगी। हालांकि सौरव गांगुली ने पहले क्लियर किया था कि वो किसी भी तरह के जल्दबाजी में नहीं है और वो चाहते हैं कि शूटिंग शुरू करने से पहले सब कुछ अच्छे तरीके से और फैक्ट्स के साथ हो। अब जब फिल्म में रणबीर के होने की खबर आई है, उसी के साथ ये भी अपडेट है कि सौरव ने स्क्रिप्ट के आखिरी ड्राफ्ट के लिए हाँ कह दिया है और शूटिंग जल्दी ही कोलकाता में शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म की चर्चा साल 2019 से ही शुरू हुई थी और फिल्म की अनाउंसमेंट भी साल 2019 में ही की गई थी। इतना ही नहीं, 1 जनवरी 2023 को सौरव गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक टीजर वीडियो शेयर किया था, जहां सौरव क्रिकेट ग्राउंड पर दमदार बल्ला घुमाते हुए शॉट्स लगाते दिखाई दे रहे थे। और तो और वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि कमिंग सून यानी कि इस नोट पर वीडियो खत्म होती है। अब देखने वाली बात होगी कि रणबीर सौरव गांगुली के किरदार को कितना बढ़िया तरीके से पर्दे पर उतारते हैं। हालांकि संजय दत्त के बायोपिक में रणबीर ने संजय दत्त के किरदार को बखूबी पकड़ा था। आप बताइए, आपको क्या लगता है, रणबीर सौरव गांगुली के किरदार के लिए परफेक्ट चॉइस है? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।